सब ये जो परसों सुसाइड हुआ था चांदपाशा का, इसके ताल्लुक से कुछ पब्लिक गवर्नमेंट से अपील करें आप, उनके माशी अमला तो कुछ भी कुछ इमदाद कराने का बल्कि बताए थे आप। हमारे जो है जो माली मसाइल की वजह से जो चांदपाशा साहब ने जो खुदकशी कर ली थी, इस सिलसिले में जो है हम लोगों ने एमआरओ को हमारे पहले तो हमारी वरिष्ठ सदर साहब की सलाह दी है, उसके बाद हमारे मोहम्मद खान साहब को हमारे एम एल ए साहब को भी सलाह दी है। साहब ने फौरन कहा कि एमआरओ को बुलाइए, हम लोगों ने एमआरओ को बुलाए, एमआरओ को हम लोग इन्फॉर्म करे तो एमआरओ एक टीम को भी जाया, डिप्टी एमआरओ साहब आए थे और जो है रेवेन्यू इंस्पेक्टर साहब, बीआरओ साहब, तीनों भी आए थे। पूरी तफसीलात हम लोगों ने तो हम लोगों ने मुतालबा किया है कि साहब लोगों से हम लोग बोलिए, सदर साहब से, एमएलए साहब से, आप कलेक्टर से और हुकूमत से नुमाइंदगी करते हैं, इन लोगों के लिए कुछ इमदाद के लिए साहब लोगों को हम लोग इतला दिए, साहब लेटर पे अपना दे रहे हैं। अब लास्ट वाइट में आप बोले थे कुछ मदद करेंगे, कुछ मदद करें मरहूम के घर पर। हम लोग जमात की तरफ से हमारी जो हो सकता दफन का जो मामला तय करें, उनके राशन पानी वगैरह भी जलाएंगे, जला रहे हैं और भी कुछ भी। बच्ची की शादी का मसला है 15 दिन के बाद, अगर वो शादी करना चाह रहे हैं तो हमसे हमारे दोस्त अहबाब से जो हो सकता है इमदाद ज़रूर हम करें। कुछ गवर्नमेंट जॉब के ताल्लुक से भी कुछ बता रहे थे? गवर्नमेंट तो हम अपील तो करें, हमने रेवेन्यू इंस्पेक्टर को, कलेक्टर को हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया कि क्योंकि लॉकडाउन के अंदर पहला वाक़ा ऐसा हैदराबाद से, ग्रेटर हैदराबाद में ऐसा वाक़ा हुआ, तो ये इस वजह से हम लोगों ने कलेक्टर को भी अपील करे कि कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी किस्म के का जॉब, क्योंकि 3-2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है और बेवा औरत है, उनके लिए कुछ अगर इमदाद हो सके तो गवर्नमेंट तक करें तो हम जरूर रिप्रेजेंटेशन हमारे तरफ से जमात की तरफ से कर दिया हमने। एज ए कॉरपोरेटर आप क्या अपील करें गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ये इसके रिकॉर्डिंग? हम लोग जो है साफ लोगों के